हेलो फ्रेंड्स, मेरी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम डिजाइनर फ्रिल वाली अम्ब्रेला डिजाइनर कुर्ती, जिसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड करके और 4 तह में बिछा लेंगे, यानी कि कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रख लेना है। अब ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है जितना मुझे चाहिए था, ठीक है। उतना कपड़ा लेने के बाद में अब यहाँ से हम अपना मेजरमेंट डालेंगे। तो टॉप पार्ट होगा हमारा, तो सबसे पहले शोल्डर ले लिया है 7 इंच पे, आर्म होल ले लेंगे 7 इंच पे, और जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन लेना है, ठीक है। अब कमर का भी चौथा हिस्सा और उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और आधा इंच से मैंने गोलाई दे दी खुली वाली साइड से ही, और जो सारे मेजरमेंट हो रहे हैं वो खुली वाली साइड को ही हो रहे हैं। आप ध्यान रखें, जो बंद साइड होती है उधर सिर्फ गला बनता है, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ से 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करते हुए हम इनको देख लेंगे। तो 4 फोल्ड में रखा था कपड़ा, तो 2 पार्ट आगे और पीछे के निकल के आ गए। अब जो ये कपड़ा है इसको ऐसे तिकोना कर लेंगे, सबसे पहले 2 फोल्ड में रखेंगे, फिर ऐसे तिरछा कर देंगे इसको। अब उसके बाद हमारा जो टॉप पार्ट है उसी को रख के अपनी कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से हम अपनी इसको रखेंगे और इसी के बराबर कट कर लेंगे, पहले एक सीधा एक निशान लगा के। अब यहाँ से हम मेजर करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, जैसे कि आपका 12 आ रहा है या 13, जितना भी आता है। ध्यान रखें ये सर्कल उसी के बराबर होना चाहिए। इंच टेप को आपको नीचे से घुमाना है, ऊपर से नहीं। अभी हमें क्या करना है कि अगर आप अपनी जो टॉप पार्ट है उसको माइनस करके अपनी लंबाई लेना चाहती हैं तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं, बाकी जितना आपका पूरा आ रहा है उतनी भी ले सकते हैं। तो मैं इस जो कुर्ती है मैं उसको 44 इंच की बना के तैयार करूँगी, तो मेरा जितना भी आ रहा है नीचे का पूरा कमर वाला हिस्सा लेने के बाद, मैं अपना पूरा कपड़ा ले रही हूँ। और जो नीचे आपको साइडों में कपड़ा दिख रहा है ये बचेगा, इसमें से मैं जो इसमें फ्रिल लगाऊंगी गोटा पट्टी का भी मैं इसमें यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं उस कपड़े को यूज़ करूँगी। और ये स्लीवलेस होगा, फिर भी मैं आपको जो कपड़ा बचेगा उसमें से हाफ स्लीव्स कट करके दिखाऊंगी। तो मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास, आप स्लीव्स भी लगा सकते हो और आप इसे स्लीवलेस भी रख सकते हो। अब इसको हम कट कर देंगे। ध्यान रखें जो हमने ड्राफ्टिंग की है वो एकदम बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से कमर वाले हिस्से को भी कट करेंगे हम। तो ये हमारे पास टोटल 2 पार्ट आ गए। अब आपको क्या करना है, जो किनारी वाला पार्ट है उसको कट कर देना है। किनारी वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसको कभी भी आप ना यूज़ करें, मतलब उसको कट कर दें। मैंने ये फ्रिल कट कर ली हैं 4-4 इंच की, ये मैंने बहुत सारी फ्रिल कट कर ली हैं। अब ये कपड़ा बचा है पूरा सब कुछ कट करने के बाद। अब देखिए इसमें से हमें बाजू कैसे निकालनी है, तो वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर लें, और जैसे 7 इंच पे आर्म होल लिए थे तो अब हमें जो इसकी चौड़ाई लेनी है वो 8.5 इंच लेनी है, 1.5 इंच ज़्यादा। अब आपको लंबाई ले लेनी है, तो इसी कपड़े में से हम इस तरीके से मेघा स्लीव जैसा निकाल देंगे। अगर स्लीव लेस रखना चाहते हो तो आप, अगर आप फुल में बनाना चाहते हो तो फिर आपको कपड़ा 3 मीटर लेना है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सेम कॉटन का अस्तर लेके और इसके साथ इसको अटैच कर दिया है। अब ये पेपर पेस्टिंग ली है, 11 इंच चौड़ाई ली है, 8.5 इंच मतलब इसकी चौड़ाई और 11 इंच लंबाई, गोल गले की कटिंग कर ली है। और इसको हम पतली वाली जो गोटा पत्ती आती है उससे हम इसको डिजाइन करेंगे। तो हम इसको पहले पतला पतला लगाएंगे और इसमें जो डिस्टेंस है वो हम 1/4-1/4 इंच का रखेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे ही इस जो मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है इसको मैं फ्रंट में लगाऊंगी, तो इसको पूरा ही हम कवर कर देंगे इससे। ये देखिए मैंने पूरे पे लगा ली है। अब मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था आधा आधा इंच, उस कपड़े को मैं अंदर की साइड को फोल्ड कर दूंगी। ध्यान रखें आप पेपर पेस्टिंग या बुकरम से अलग लें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, 1/2 इंच इधर को और 1/2 इंच दूसरी साइड को। उससे क्या होता है कि उसे फिनिशिंग ख़राब नहीं होती है। और चौड़ाई आपको अगर ज़्यादा रखनी है इसकी, तो आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हो, तो मैंने इसकी इतनी ही रखी है 8.5 इंच। अभी हमने पूरा कर लिया है। अभी हमने ये समोसा लेस ली है जिसको हम हाफ में लगाएंगे, यानी कि हाफ हिस्सा उसका अंदर रखेंगे और हाफ हिस्सा उसका बाहर रखेंगे, और इसी तरीके से उसको घुमाव देते हुए हम लगा देंगे। बहुत अच्छी तरीके से घूम जाती है, बहुत जो लेस है स्ट्रेचेबल है, तो मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है लगाने में। हमने पूरे में लगा ली है। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से बराबर करके जो हमने टॉप पार्ट लिया है उसको लेंगे और उसमें हम अपना मेजरमेंट डालेंगे सेंटर का। तो सबसे पहले इसको हम लेके, और ये जो हमने फ्रंट के लिए गोल गला बॉटनेक गला बनाया है, बॉटनेक गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 5 इंच ली है, जैसे हम नॉर्मली गला बनाते हैं
तो आप वो वीडियो मेरी देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस हर टाइप का गला सिखाया हुआ है। अभी हम इसको ध्यान से देखिएगा, पहले सेंटर में निशान लगाएं, और सेंटर में निशान लगाने के बाद आप पहले गले को नाप के देख लें कि जो हमारा गला है वो हमारा कहाँ तक आ रहा है। जैसे 5 इंच तक आएगा तो आप 5 से मतलब थोड़ा सा ऊपर ही इसको रखें, ज़रूरी नहीं है 5 के बराबर ही रखें इसको, आप 3 या 4 इंच और ऊँचा लें ताकि जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आएँ। अब हमने इसको ऐसे सेंटर से पहले सेंटर में निशान लगा के इसको भी ऐसे ही रखना है ताकि ये बिल्कुल सीध में आए। कई बार डायरेक्ट लगा देते हैं तो फिर वो इधर ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड कम हो जाएगा, तो ध्यान रखें ये चीज़। अब ये हमने गले को भी सिल लिया है इसके साथ ही। अभी हम क्या करेंगे कि इसको सिलने के बाद, तो यहाँ से देखिए पहले सेंटर से सिला हमने, सेंटर से सिलने के बाद में ये देखिए बिल्कुल सेंटर से सिला, और मैंने इसको थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे ही रखा है क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर रख रही हूँ तो फिर एक तो गले की लंबाई कम हो रही है, फिर एक कॉर्नर दिखेंगे, तो इसीलिए मैंने उसको 1/2 इंच नीचे खिसका के रखा है। वो तुरपाई में सेट हो जाएगा, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बस ऐसे घुमाव दे के इसको लगा देंगे। अब हम इसको कट कर देंगे क्योंकि ये बीच का पार्ट तो हमारा निकल ही जाएगा, हमारा शोल्डर वाला पार्ट बचेगा, उसे जब हम गले को तुरपेंगे वो हमारा गले के साथ ही सेट हो जाएगा। और गले को मैंने सीधी साइड को रख के फिर मैंने उल्टी साइड को इसे मोड़ लेना है, तो मैंने छोटे छोटे कट ज़रूर लगाए हैं। आप अब देखिए कितना सुंदर हमारा ये गोटा पत्ती से ही प्लेन कुर्ती बहुत अच्छे से बन के आती हैं। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसका जो हमने 4 इंच की पट्टियाँ ली थी उनको हम लगभग 1/2 इंच का मोड़ेंगे, एक साइड से ही मोड़ना है, एक साइड से हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। वो हम इसमें जो इसकी लंबाई होगी टोटल वो हम 2.5 से 3 इंच रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन भी सिलाई में भी जाएगा। अब हम इसी के इससे हटा के थोड़ा सा हटा के इस पट्टी को लगाएंगे जो हमने लेस वाली ली है, तो इसको हमें जितनी भी लंबी फ्रिल चाहिए उतनी लंबी हम लगा लेंगे। अभी हमें इसमें लगभग 1/2 इंच की ऐसे डिस्टेंस देते हुए फ्रिल बना लेनी है। इसको हम नीचे बॉटम पे लगाएंगे, इससे इसकी लंबाई थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो अगर आप लंबाई नहीं बढ़ाना चाहती हैं तो आप इसको बराबर, और ध्यान रखें जितना आपका घेरा है इतनी ही आपकी फ्रिल होनी चाहिए। अब सीधी साइड को रख के और फ्रिल को उल्टा करके रखना है सीधी साइड को, और फिर इसे हम उल्टी साइड को फोल्ड करके एक डबल गोटा पत्ती और लगा देंगे। तो देखिए अभी मैं पहले तो इसको सिंगल लगाऊंगी, फिर इसी के सीध में रख के मैं थोड़ा थोड़ा गैप देके एक एक और लगा दूंगी। तो ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे रख के इसको पूरे में, और जैसे हम ये वाला पार्ट तैयार कर रहे हैं बैक पार्ट भी हमें सेम ही करना है क्योंकि हमारा बैक पार्ट में भी सेम बॉट नेक बनेगा, सेम अस्तर वगैरह हमने वो ही लगा लिया है ग्रीन जो हमने दिखाया था कॉटन का, और सेम हमारा बैक पार्ट ये गोटा पत्ती और फ्रिल से तैयार होगा। अब दोनों की कमर वाली साइड रख के एक दूसरे के ऊपर और हम यहाँ से सिल देंगे। तो ये देखिए कमर वाली साइड से ये एकदम बराबर, अगर आपका बड़ा बैठ रहा है तो आप घेरे वाला है पार्ट है जो उसको सही कर सकती हैं थोड़ा सा कट करके। अब दोनों का शोल्डर जोड़ देंगे क्योंकि आगे और पीछे के दोनों पर्दे हो गए हैं कंप्लीट तैयार। अब हमने ये पट्टी कट कर ली है, इसको सीधी साइड को रख के और हम उल्टी साइड को मोड़ देंगे। तो ये देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा खींच खींच के लगाना है, और जो मैंने बाजू कट की हैं आप वो भी ऐसे ही कट करके लगा सकती हैं। मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है कि इतने कपड़े में से हम कैसे निकालें। अब हमने फिटिंग कर लेनी है जितनी भी आपकी फिटिंग है, और अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है तो आप पीछे इसमें बेल्ट भी लगा सकती हैं जिससे हम इसको टाइट लूज़ कर सकें, या फिर इसमें कोई डोरी ऐसी लगा सकती हैं। दोनों साइड को फिटिंग देने के बाद अब हमारा जो ये फ्रिल वाला हिस्सा ये बराबर आना चाहिए दोनों साइड से, तो बनने के बाद में इस तरीके से आया है। अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लाइक करना भूल जाते हो। धन्यवाद आप सभी का अंत तक देखने के लिए।